हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और फैन टू प्ले पावर्ड फैंटेसी मैच प्रीव्यू में। ये गेम होगा वर्स्टशायर वर्सेस नॉर्थ हैम्पशायर के बीच में। हमने प्लान किया था दूसरा गेम, बट अब हैम्पशायर की टीम का तक स्क्वाड ही नहीं आया, तो हम कैसे एनालिसिस करें, उन्होंने ही नहीं किया तो। बट एनीवे, ये रहा आज का गेम। एंड ये गेम जो है आरसीबी डेडिकेटेड गेम है, क्योंकि आपको दिखेंगे बहुत सारे आरसीबी प्लेयर्स इस गेम में। सो इफ यू आर आर सी बी फैन, यू लव दिस मैच। एंड वी हैव निखिल भाई विद अस टुडे, हु इज डेफिनेटली नॉट एन आर सी बी फैन। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट आई हैव वी ऑल हैव अवर बायसेस। तो पर दो प्लेयर जो हैं, जो कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे इस गेम में, वो दोनों तो शायद बहुत ब्लास्ट और 100 वालों के फेवरेट है, क्योंकि ऑलराउंडर्स है। और ब्रेसवेल के साथ तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो यूजर्स हैं जिन्होंने सारे वीडियोस देखे, दे नो एवरीथिंग दैट मैटर्स विद हिम। इनफ कॉन्टेक्स्ट। एग्जैक्टली। सो एनीवे, स्टार्ट करेंगे पहले हम आज के वेन्यू कंडीशंस के साथ एंड उसके साथ जो स्क्वाड्स हैं। सो वी विल स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द स्क्वाड्स दैट आर अवेलेबल टू अस फॉर दिस गेम। एंड लुकिंग एट दिस स्क्वाड, यू कैन सी यहाँ पे है माइकल ब्रेसवेल, ब्रेट डॉलिवियरा जो है कैप्टन, लेग स्पिन भी डालते हैं, अच्छी खासी अटैकिंग बैटिंग, जैक हेन्स जो टॉप ऑर्डर में स्टेबल बैटर है बट सम नेगेटिव मैचअप्स अगेंस्ट दिस टीम, एडम होस हु हैज शिफ्टेड फ्रॉम बर्मिंगहम, ही इज अ टॉप क्लास बैटर, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, काशिफ अली हु माइट नॉट गेट अ स्टार्टिंग स्पॉट फॉर नाउ, बेन कॉक्स ही इज बिन देयर कीपर फॉर अ वाइल, थोड़ा लोअर जनरली लोअर ऑर्डर में ही आते हैं बैटिंग पे, एड पॉलॉक हु इज क्वाइट एन अटैकिंग बैटर, अपने दिन पे वो 70-80 भी मार देंगे बट अगेन उनके मैचअप्स नेगेटिव है डेविड विली के सामने, यानी का एक और प्लेयर के सामने, टेलर कॉनल हु इवन आई एम लर्निंग अबाउट राइट नाउ, मैथ्यू वेट हु गेट्स अ मूवमेंट अप टॉप जब भी पिच में कुछ हेल्प हो, टॉल फास्ट बॉलर है, उसामा मेर जो यहाँ पे 3 गेम्स में स्टैंड इन कर रहे हैं फॉर मिचेल सैंटनर, टिली कम्स इन लेग स्पिनर आए हैं, डिलन पेनिंगटन हु कैन गेट यू सम मूवमेंट अप टॉप एंड कभी कभार आके मिडल ओवर्स में एक आध विकेट निकाल सकते हैं, एडम फिंच, पैट ब्राउन हु अगेन बोल्स एट द डेथ, क्वाइट अ फ्यू वाज एट द डेथ आल्सो प्लेड फॉर इंग्लैंड एट वन पॉइंट, एंड मिचेल स्टैनली। निखिल भाई, एनी एडिशनल इनपुट्स और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस प्लेयर्स? बिल्कुल, इनके प्रैक्टिस स्कोर कार्ड्स आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां से आपको डिसेंट आइडिया मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ, जरूरी नहीं कि वही चीज आगे जाके काम आए, पर इन टर्म्स ऑफ रन, क्योंकि कॉक्स ने कुछ रन करे हैं, एडम होस ने वापस अच्छा 30 और मारा 19 बॉल में, काशिफ अली स्कोर्ड अ फ्यू, पर अगेन रिस्क उनके साथ वैसा ही होगा कि जहां पे वो खेल रहे, जो रोल में खेल रहे, जो टीम का भी लाइनअप है, यू फील दे आर द स्लाइटली वीकर साइड, डिपेंडेंट हेविली ऑन दैट ऑलराउंडर्स दैट यू सी इन द टॉप टू नेम्स। तो उसके हिसाब से यू हैव टू फिगर आउट कि भाई कैसे इस टीम का उनको करना है, क्योंकि वेन्यू भी अगर आप देखें तो एवरेज स्कोर काफी बड़ा है, 180 के आसपास का एवरेज स्कोर होता है, हाईएस्ट स्कोर चेस्ड इज ओवर 200, तो रन बनते हैं यहाँ पे। तो किसको आप बैक कर रहे हो, किस सिचुएशन में, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थोड़ा फॉर्म का आइडिया लग जाएगा फिर। यस एब्सोल्युटली। तो ये रही पहली टीम, जो दूसरी टीम है उनमें है डेविड विली, जॉश कॉब, एमिलियो गे, डेविड विली अगेन आपको स्टार्टिंग में, यहाँ ये जो टूर्नामेंट है यहाँ पे स्टार्ट में भी डालते हैं, डेथ में भी डालते हैं, प्लस बैटिंग से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सो जो भी आईपीएल से देख के आ रहे हैं वहां पे उनको खास कुछ बैटिंग नहीं मिली बट यहाँ पे मिलेगी, जॉश कॉब जो स्पिन भी डालते हैं अप टॉप बैटिंग करते हैं, फिर है फ्रेडी हेडराइक, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस द नेम रॉन्ग, बट वापस स्पिनर है एंड ये काफी इफेक्टिव होते हैं जब चेज में विकेट्स की जरूरत होती है, इस ग्राउंड पे उनका उस टाइप ऑफ सिचुएशन में काफी अच्छा रिकॉर्ड है, रॉब कियोग जो एक्सपीरियंस बैटर है इनके काफी समय से, क्रिस लिन इन शॉर्ट बाउंड्रीज को ये जरूर एंजॉय करेंगे, सो एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, लुइस मैकमैनुस जिनको आप नहीं पिक करोगे मोस्टली क्योंकि दूसरे जो कीपर कीपिंग सेक्शन में वो है रिकार्डो वैस्किन सेलोस, आज प्रोनाउंसिएशन चैलेंज हो रही है मेरी, बट टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लास्ट ईयर काफी रन बनाए थे, भाई लुइस मैकमैनुस जनरली थोड़ा सा लो आते हैं बट अगर टॉप में उनका लिस्ट है तो फिर आप उनको ले सकते हो, एज हैम्पशायर के लिए जब वो खेलते थे काफी अच्छी फिनिश देते थे उन्हें, एलेक्स रसेल, बेन सैंडरसन जो वापस इनके लिए पावर प्ले प्लस डेथ ओवर बॉलर है, जेम्स सेल्स जो अंडर-19 प्लेयर है बट यहाँ पे मे बी उनको स्टार्टिंग में स्पॉट ना मिले, एज एंड्रू टाई, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ऑलरेडी डेथ बॉलर हमने ईयर मार्क कर दिए, एंड्रू टाई, बेन सैंडरसन, तो इसका ये मतलब ये हो सकता है कि डेविड विली वापस में भी सिर्फ एक ही ओवर डाले यहाँ पे, तो वो एक तकलीफ का पॉइंट हो सकता है, टॉम टेलर जो जनरली स्टार्ट में डालते हैं,
एंड जितने यहाँ पे डेथ बोलर्स हैं मे बी उनका रोल नहीं आया एंड में। वैस्किनसेलोस की हम बात कर ही चुके हैं, ग्रैम वाइट जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एंड वापस जो जो मैंने फ्रेडी के बारे में कहा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, विकेट्स अंडर प्रेशर, ये भी उसी टाइप ऑफ रोल में निखर के आते हैं, एंड सैफ जैब जो काफी स्टेबल बैटर है अप टॉप। बिल्कुल, तो प्लीज इनके भी आप अगर प्रैक्टिस मैच के स्कोर कार्ड देख लोगे तो थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा, क्योंकि रन बना के आ रहे हैं कुछ लोग, कुछ जिनको बैटिंग ही नहीं मिली थी कुछ टूर्नामेंट्स में, तो वैसे आपके लिए फिर बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि रोल जैसे हम बात करते हैं फॉर टीम्स इट्स फार डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हाउ एन आरसीबी यूज। आप लास्ट में भी देखते हो विली का यूसेज कभी कभी बहुत अलग होता है, समटाइम्स ही सेंट इन टू हिट, समटाइम्स ही इज हेल्ड बैक अ लॉट, तो वो आपको लाइनअप देख के फिर एक बार पता चल जाएगा कि ओके क्या रोल है किस प्लेयर का, तो फिर वैसे आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि रन तो बनना है यहाँ पे, तो बैटिंग को वैल्यू तो मिलेगी। यस, सो बैटिंग ऑल द वे, एंड अब चलते हैं बेस टीम की तरफ। फैन टू प्ले ऐप पर जरूर साइन अप कर लेना, 200% बोनस मिलेगा आपको अपने पहले डिपॉजिट पे, और वही बना रहे हम अपनी टीम। सो स्टार्ट करेंगे कीपिंग सेक्शन से, जहां पे वैस्किनसेलोस को हमने करंटली पिक किया हुआ है, मैकमैनस एंड कॉक्स भी अच्छे चॉइसेस है अगर टॉप ऑर्डर में लिस्टेड है, बट अभी के लिए हमारे पास टीम शीट तो है नहीं, तो हम यही एक ऑप्शन के साथ गए हैं। एंड बैटिंग सेक्शन में हमारे चॉइसेस है जॉश कॉब, क्रिस लिन एंड एडम होस, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस है। जॉश कॉब आपको दोनों डिपार्टमेंट्स में वैल्यू ला कर देंगे, क्रिस लिन शुड एंजॉय गुड बैटिंग कंडीशंस, प्लस हमें पता है कि यहाँ पे डायमेंशन भी काफी स्मॉल है, वाइल एडम होस भी मिडिल ऑर्डर में लास्ट ईयर काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर आए हैं। बिल्कुल, मैं अभी भी उनकी प्रैक्टिस मैच के ही वीडियोस देख रहा हूँ, और आप देखेंगे तो कुछ जो शॉट्स लगाए हैं क्रिस लिन डेविड विली ने, आपको देख के लगेगा कि भाई ये लोग बैटिंग मतलब क्या ही, मतलब नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो 50 मारे थे विली ने, 3 विकेट भी लिए, लिन हिट 90 और 93 इन 52, तो रन्स हैं टच में तो आपको दिख सकता है, बट अगेन यू हैव टू ट्रस्ट द कॉम्पिटिशन लेवल एज वेल, कि तभी किसके सामने फेस कर रही थी और अभी किसको फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा वो प्रेशर का भी बात अलग होता है कि जब आप इन गेम खेल रहे हो तो कितने रन आपका क्या टच है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से प्लीज हैव अ लुक एट द वीडियोस, क्योंकि वहां से भी आपको आइडिया लगती है कि कभी कभी विजय शंकर कैन हिट अ 40, और 40 में से अगर 20 रन बिहाइंड द विकेट आए एज पे तो इट्स नॉट टेलिंग यू इफ इज इन टच, तो दैट्स व्हाई समटाइम्स वॉचिंग विल आल्सो बी हेल्पफुल। यस एब्सोल्युटली, तो ये रहा बैटिंग सेक्शन, अब चलते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। यहाँ पे है माइकल ब्रेसवेल एंड डेविड विली जो है टॉप कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी चॉइसेस, ब्रेट डॉलिवेरा जो जैसा रोल निभाते हैं वो भी मेरे लिए अच्छी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस है, क्योंकि वो डालेंगे इंपॉर्टेंट ओवर्स प्लस बैटिंग भी करेंगे अप टॉप, तो अच्छी चॉइस है। एंड लास्ट 2 ईयर से इनका जो एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करके रहता है फॉर स्पेसिफिक टीम्स, वो इस टीम के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं। एंड मैथ्यू वेट जो जैसे मैंने कहा टॉल राइट आर्म बॉलर है, एंड ज्यादा बॉलिंग ऑप्शंस नहीं है वर्स्टशायर के पास इन कंपैरिजन टू नॉटहैम्पशायर, तो इनका रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। वाइल बॉलिंग में हम गए हैं काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस के साथ, पैट ब्राउन जो डेथ में डालेंगे, एंड्रू टाई जो डेथ में डालेंगे, एंड दोनों की स्पेशलिटी भी वही एक सिमिलर स्लोअर बॉल है। एंड लास्ट पिक है उसामा मिर, जिन्हें हमें लगता है कि वाइल कंडीशन यहाँ पे टफ हो सकते हैं स्पिनर्स के लिए, बट वी नो कि दिस काइंड ऑफ बैटर्स डू हैव देयर सेट ऑफ ट्रबल अगेंस्ट स्पिनर्स, एंड विद नॉर्थहैम्पशायर मोस्ट ऑफ देयर वीकनेस कम्स अगेंस्ट स्पिन, सो उसामा मिर वहां पे एक रोल निभा सकते हैं, हेंस हम उन्हें पिक करके चले। बिल्कुल, और ये भी आपको देखना है कि अगर लिमिटेड ऑप्शंस है तो यूसेज भी उनका वैसा होता है, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि हाँ चलो जैसे कंडीशन है कौन सा छठवा सातवा बॉलर का ऑप्शन है क्या, तो दैट विल हेल्प यू ऑल्सो मेकिंग द कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो। यस फेयर इनफ, एंड जिस भी टीम में कम बॉलर हो वही टीम से सारे बॉलर ले लेना, वही है एक सिंपल फॉर्मूला, ताकि आपको पता हो कि चलो ठीक है हमारे बॉलर के 4 ओवर तो आएंगे कितना भी पिटे। तो ये रही आज की बेस टीम, एंड अब चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ। गो फॉर इट सर। तो मेरे तो देखो जब भी इंग्लैंड के इधर मैच होती है तो एडम होज मेरे ऑप्शन रहते ही हैं, क्योंकि आई फील ही समबडी जिसको इनफ टाइम मिलता है टू मेक एन इम्पैक्ट, एंड आपको पता है कि जब वेन ही स्टार्ट्स टू स्कोर वेल उनके कंसिस्टेंट स्कोर्स आते रहते हैं, वेन्यू पे भी एवरेज 45 का है तो आई एक्सपेक्ट हिम टू डू वेल,
और अगेन फ्रॉम अ साइड दैट आई एक्सपेक्ट टू नॉट विन मे बी ही कुड स्टिल गिव यू इनफ पॉइंट्स. तो दैट इज वाई आई फील विथ फ्रॉम ऑस्टर एडम हॉल्स वहां से होंगे, मोइन अली आ जाए फिर केस एकदम अलग हो जाएगा. तो तब की बात तब करेंगे. एंड यहाँ से अगर टॉम टेलर इफ आई फील ही'ल गेट टू बोल अ लॉट, तो टॉम टेलर इज एन ऑप्शन फॉर मी टू पिक, क्योंकि हेड टू हेड भी एक मैच में तीन तीन विकेट लिए थे एंड वेन्यू पे भी ठीक करा इन बोथ इनिंग्स. तो अगर क्रूशल टाइम्स पे डाल रहे हैं वो, तो विकेट टेकिंग एबिलिटी तो है ही हमें, और रन्स नहीं चाहिए इतने, पर भाई विकेट आ जाए दो तो फिर इनफ डिफरेंशियल हो जाएगा इन दिस गेम. सो नॉर्थहैम्पटन शेयर से टॉम टेलर एंड एडम हाउस फ्रॉम वर्स्टशायर. यस, फेयर इनाफ, गुड कॉल्स देयर एंड माई कॉल्स फॉर दिस गेम. फर्स्ट वन इज बेन सैंडरसन. मुझे लग रहा है कि अगर जो ट्रैक्स आएंगी, जो फ्रेश ट्रैक्स बनेंगी, अगर कुछ भी हेल्प होगी पेसर्स के लिए, तो फर्स्ट सेट ऑफ गेम्स में ही होगी. एंड बेन सैंडरसन इज अ प्रूवन ओल्ड वर्क हॉर्स फॉर देम, सो आई थिंक उनका रोल यहाँ पे अच्छा बन सकता है. वाइल फ्रॉम वर्स्टशायर आई एम ऑप्टिंग फॉर डिलन पेनिंगटन. वापस सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर है, अगर हेल्प होगी अप टॉप तो आपको काम करके दे सकते हैं. तो ऑब्वियसली ये जीएल सिनेरियो है, एंड जीएल में जहाँ पे मैं थोड़े ज्यादा बैटर्स ड्रॉप करूंगा, वहां पे मैं इन दोनों बोलर्स को जरूर ट्राई करूंगा इन दैट सिनेरियो. एंड उसके अलावा जो फाइनल टीम्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम के लिंक्स भी हैं डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर ज्वाइन करेगा. एंड रिमेंबर टू डाउनलोड द फैन टू प्ले ऐप. जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. एंड यस, आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग The jersey giveaway winners. So Yes. the jersey giveaway winners for the Rashid Khan game, which was last night where Chennai won, is from Nikhil Bhai's channel. Rashid Khan 1 for 34, super close. Congrats to you, Dark Knight. Please do DM your details. And Already have his details, so already have, okay, बड़े लोग. that's super consumer connect. And the other winner is Aman Sheikh. प्लीज डू डीएम योर डिटेल्स टू 1 for 38. एकदम क्लोज थे आप सर, तो आप है दूसरे विनर. ट्विटर पे प्लीज हमें डीएम कर दीजिएगा विथ योर डिटेल्स, एंड आप तक जर्सी हम पहुंचा देंगे. एंड जल्दी आपकी तरफ भी पहुंचेंगे एक और प्रीव्यू के लिए. एंड प्लीज कीप इन माइंड, लाइक ऑलवेज, दिस गेम मे बी हाई परफॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की. So please invest carefully, play responsibly. See you soon.